जर तुम्ही आमचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब केलं नसेल तर कृपया सबस्क्राइब करा व ताजा घडामोडी जाणून घेण्यासाठी बेल आयकॉनला क्लिक करा। पवित्र कुरान के 25वें पारे अध्याय 25 की सुरह शुरा की 43वीं आयत में जिक्र है, वह लमन सबरा वगफरा इन्ना जाली का लमीन अजमिल उमर, जो सब्र करने वाला है और रहम करने वाला है वो बुलंद मर्तबे और अजमत गरिमा वाले हैं। यहाँ यह बात काबिले गौर है कि सब्र सबरा और रहम गफरा मर्तबे और अजमत गौरव गरिमा बढ़ाने वाला है और परोकार भी है। रहम रास्ता है अजमत का, सब्र सीढ़ी है बुलंदी की। तो इसका सीधा सा जवाब है कि मुकम्मल ईमानदारी और अल्लाह की फरमाबरदारी के साथ रखा गया है रोजा और रोजदार इसकी पहचान है। नेक नियत और पाकीजगी के साथ रखे गए रोजे का नूर अलग ही चमकता है। जज्बा ए रहम दया का भाव रोजेदार की पाकीजा दौलत है और जज्बा ए सब्र रोजेदार की रूहानी ताकत है। पुराने पाक में अल्लाह को सब्र करने वाले का साथ देने वाला बताया गया है। इन्नल्लाह मसबरीन यानी अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। रोजा इम्तहान भी है और इंतजाम भी। सब्र और संयम रोजेदार की कसौटी है, इसलिए रोजा इम्तहान है। सब्र की कसौटी पर रोजेदार कामयाब यानी खरा साबित हुआ तो इसका मतलब यह है कि उसने आखिरत परलोक का इंतजाम कर लिया, इसलिए रोजा इंतजाम है। कुल मिलाकर यह कि रोजा रहम का हरकारा और सब्र का फोवारा है।